तो धर्म दी खोज मन दी खोज है। खोजी बिरतियां मनुख जन्म तो नाल लेके आया है। अखां खुल दिया ने, ये खुलियां अखां कुछ लब रही ने। जन्म तो लेके मरण तक मनुख दिया अखां कुछ तलाश कर दिया ने, लब दिया ने। खोज खोज के जो मिले है, इस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं, तो खोज जारी है जन्म दर जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी, अनंत जन्म तो खोज चल रही है, तलाश चल रही है। मनुख तृप्ति रब रहे है। इस संस्कृत दे कहिंदे ने रजेवा। राजे का मतलब कि राजा है, रज गए। राजे का मतलब हुक्मरान नहीं है, बादशाह नहीं है। जो रज गया, प्रभु जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा ते राजा हो सकदा। राजा जो रज गया, जिस दे अंदर अजे भी मंग चल रही है, वो राजा नहीं, मंगता है, भिखारी है, भिखारी है। जिन्ने चिर तक मंग चल रही है भिखारी है। रज गया है, राजा है। करोड़ां च कदी कदाई कोई एक कद राजा होंदा है, बाकी सब बेकार, सब बेकार। मैं पढ़ रहा सी एक सूफी फकीर दी गाथा। उन्हों पिंड वासियां ने मजबूर कीता भी अकबर बादशाह जो राजा है थोड़ी मनदा है, ते साड़े पिंड दे च एक मदरसा खुलवा दो स्कूल। उन्हां दिनां विच छोटे छोटे मदरसे वक्त दी हकूमतां खोल दियां होंदियां, वह भी शहरां विच कस्बें च नहीं। कस्बा तकड़ा ते सूफी फकीर नूं कहा, तुहाडी बादशाह सुणदा है, बादशाह कोल साड़ी फरियाद पहुंचा दो, साड़े पिंड दे च भी एक मदरसा स्कूल खोल दें। ये फकीर बादशाह कोल पहुंचे, फकीर दी पहुंच सी, फकीर दा सन्मान सी, अंदर महलां च जान दिता है। पर अकबर नमाज पढ़ रहा सी, फजर तो बाद जोहर दी नमाज पढ़ रहा सी। इन्हां च पंज नमाज आंदी, फजर दी, जोहर दी, असर दी, मगरब दी, फिर इशा दी नमाज। इस टाइम जिहड़ी नमाज पढ़दे ने उन्हूं इशा दी कहिंदे ने, अमृत वेले जिहड़ी पढ़दे ने उन्हूं फजर दी कहिंदे ने। जोहर दी नमाज पढ़ रहा सी, फरीद जाके बैठ गया पिछे, भई नमाज पढ़ लवे। नमाज पढ़न तो बाद अकबर फरियाद करता है, वे हे खुदावन ताला, तेरे दर दा ए भिखारी मांग करता है, मेरे राज पाठ नू वधा, मेरे दुश्मना नू खत्म कर, मेरी प्रभता, मेरी प्रतिभा होर वधा, मेरा जमाल होर वधा, मैं तेरे दरदा भिखारी हां। फरीद वापस चल पिया। बादशाह दुआ तो बाद जद देख ले पिछे कोई बैठा सी ते चल पिया, पहचान लिया, आवाज मारी, साई जी आए हो, दसो हुक्म करो, बिना गल बात कीतियां चल पाए। ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਿਸਦਾ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ।
राजा कोई कोई होंदा जो रज गया जेदे अंदर कोई मंग नहीं है, परमात्मा कोल भी कुछ नहीं मंगदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने जिहड़ा मंगदा है ये बच्चे दी फितरत है। मम्मा मंग नहार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना, जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न कबहू थिया। फिर महाराज कहिंदे ने मांग न मांग सो एक है मांग, नानक जाते परे पराग। मंगना ही रब कोलो ते रब नो ही मांग ले, बड़ी वड्डी सियाणप है। जे तू मांगतपणा छड़ना ही नहीं ते परमात्मा कोलो परमात्मा नो ही मांग ले। मनुख सब कुछ परमात्मा कोल मंगदा है, परमात्मा नु नहीं मंगदा। क्यों? सब कुछ जो मंगदा है ओनु मनदा है, परमात्मा कोलो मंगदा है परमात्मा नु मनदा नहीं है। जेड़ा मन लैंदा है, मन्ने की गत कही ना जाए। तो खोजी बिरतियां तलाश बिरती मनुख जन्म तो नाल लेके आया है। धार्मिक विद्वान कहिंदे ने मनुख रजेवा लवरे और कुछ भी नहीं। जो रज जाए राजा, जिथे मंग चले मंगता भिखारी। हुण मैं फिर अर्ज करां, कदी कदाई करोड़ां च कोई एक अद राजा हुंदा जिन्हां नूं असीं राजे कहिंदा, हुक्मरान आउंदे ने, राजे नहीं आउंदे। संस्कृत दा राजा लफ्ज बड़ा कीमती लफ्ज है। जो रज गया राजा, प्रभु जी तेरी दाती राजा, हे प्रभु तू कि जे दात मेरी झोली च पा ते मैं राजा हो जावा, रज जावा। जन्म तो ही मनुख कुछ लभ रहा है, लभ लभ के अज तक जो कुछ मिले है उस नाल रजेवा नहीं होया, लभ रहा है और लभ रहा है। मनुख रजेवा लभ रहा है, रजेवे तो बिना और कुछ नहीं लभ रहा। मनुख दी खोज दा केंद्र पहले जमीन रही है, धरती। धरती ने मनुख नू अन्न दिता है, धन दिता है, जरूरत दा साजो समान बहुत कुछ दिता है। और जमीन दे रही है, फल दे रही है, फुल दे रही है, अन्न दे रही है, धन दे रही है। हीरे जवाहरात नीलम पन्ने लवे ने, पहाड़ा ने अज तक मनुख दी झोली विच बहुत कुछ पाया ते बहुत कुछ दे रहे। लेकिन इतने पहाड़ा दे होंदे होया ये पहाड़ भी मनुख नू रजा नहीं सके, तृप्त नहीं कर सके। फिर मनुख ने समुंदर सागर दे पानिया नू छाने है। समुंदर दे चो तेल मिले है, मोती मिले ने, होर कारामद चीजा मिलिया ने, और समुंदर अजे भी दे रहे है। पर तीन हिस्से समुंदर एक हिस्सा धरती, इतना वड्डा सागर भी बंदे नू रजा नहीं सकया, राजा नहीं बना सके। मनुख दिया नजरां उपर उठ गईयां, चंद्रमा सब तो नेड़े सी। तो सोचिया शायद कोई चन्न तो लब पए, कोई सौगात, कोई तोहफा, मुलक सारे दा सारा रज जाए। उस वक्त दिया दो महान ताकतां अमेरिका ते रशिया, इन्हां दो मुलकां दे चोटी दे साइंटिस्ट दिन रात दिमाग लड़ांदे रहे, सैकड़े इंजीनियर अपना सिर खपांदे रहे, बड़ी वड्डी लेबर होई, अरबों खरबों डॉलर खर्च हुए दो मुल्कां दे। और 10-12 साल लगातार मेहनत हुई। आखिर एक दिन मनुख चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल हो गया। सारी दुनिया दे च हुलास दी लहर दौड़ गई सी, बंदा चन्न ते जा पहुंचे, मनुख चंद्रमा ते जा पहुंचे। दुनिया भर दियां निगाहां टीवी ते अड़ियां हुई सन, देख रही सन,
बंदा चंद्रमा ते जा पहुंचे, चंद ते जा पहुंचे। बड़ी हुलास ते खुशी दी लहर सारी दुनिया दे च दौड़े। उन्हां दिनां दे च उर्दू दा एक माया नाज शायर जिगर मुरादाबादी जिंदा सी, हुण ते नहीं रहा। ओदी जबान चो एक फिकरा निकलिया सी, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू आसमान ते रहण दी कोशिश कर रहे हैं, पर तेनू ते जमीन दे उते भी रहण दी जाच नहीं आई। जेड़ियां वंडियां तू जमीन ते पाईयां ने एही चन्न ते पाएगा। जेड़ा खून खराबा तू जमीन ते कीता होया एही चंद्रमा ते करेगा। जिहड़े तोप टैंक तरह तरह दे मिजाइल खतरनाक हथियार तो इत्थे बनाए ने, उत्थे भी बंदियां नूं मारन वास्ते यही कुछ करोगे। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन नूं बनाया यही नरक तू चन्न नूं बनाएगा। आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। खैर उत्थों मनुख की ले आया, मुठ्ठी भर रेत मिट्टी लिया। अजे भी होस्टन दे साइंस म्यूजियम दे पई है, लोकी देखदे ने। मैनू भी एक दो दफा देखण दा मौका मिले। मिट्टी काले रंग दी मिट्टी, मैं देख के हैरान होया। बक्से च रखी हुई सारे देखदे ने। मैं कहा अरबां खरबां डालर खर्च होए, दस पंद्रह साल चोटी दे साइंटिस्ट इंजीनियर कबदे रहे। इतनी वड्डी लेबर होई, लियाए की मुट्ठी भर रेत। हुण मनुख दियां निगाहां अगे ने, मंगल ते शनि ते जिहड़े होर ग्रह ने, शायद उत्थों कुछ लभे। महाराज कहिंदे ने बार जो कुछ भी तेनू लभेगा तेरी लोड़ां दी पूर्ति करेगा, तेनू तृप्त नहीं करेगा, रजावेगा नहीं, तू रज नहीं सकदा। बार ऐसा कुछ भी नहीं कि तेनू मिले ते तू तृप्त हो जाए, राजा हो जाए, रज जाए, राजा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जीवन भर मंगता रहना पेगा, भिखारी रहना पेगा? महाराज कहते नहीं, एक जगह है जे तू खोज करें राजा हो जाएगा, राजियां दा राजा हो जाएगा, बादशाहां दा बादशाह हो जाएगा। ओ केड़ी जगह है? इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ ने दबाए, नौ खजानिया वर्गा प्रभु दा नाम। ए तेनु मन देच मिलेगा, मन देच। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कुछ अरसा होया मैं फ्राइड दे बोल पड़े सन, हैरान होया मैं। उदी जर्मन भाषा दी लिखी हुई किताब दा हिंदी देच अनुवाद होया, फ्राइड मनो विश्लेषण। वो कहिंदा है भारत दे सारे संत गलत कहिंदे ने, मन विच प्रभु दा नाम है, राम है। कहिंदा नहीं, मन विच काम है, कोई राम नहीं। मन विच निरंकार है हिंदी दी वो किताब, अनुवाद होया जर्मन भाषा दा। कहिंदा कोई निरंकार नहीं, हंकार है, इगो है मन दे चीज तो इलावा और कुछ भी नहीं। ये जो भारत दे अवतारी पुरुष ऋषि मुनि कहिंदे ने मन दे च अनंत गुण ने, कहिंदा नहीं, काम है, मोह है, क्रोध है, कुछ भी नहीं, यही कुछ। कहिंदा मैं मन दी खोज कर करके देख ले, हंकार तो बिना, लोभ तो बिना, काम तो बिना कुछ भी नहीं लभ्या, कुछ भी नहीं, यही कुछ है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 100% ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਖ ਤੇ ਸਿਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰਨਾਈ, ਓਹਲੇ ਜਾ ਰੇ ਓਹਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਦਉ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹੇਰਾ ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ, ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ, ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ ਗੜਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ, ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ, ਵੇਦ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਪਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਖਪ ਗਏ ਧਨ ਸੰਚ ਸੰਚ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਚ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਮਨ ਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ, ਆਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨੇੜਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਲੋਭ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਨੇ ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਫਰਾਇਡ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਗੋ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਹੈ।
चलो इतना ते है, उसने उपरों उपरों ते मन देखे, मनोचिंतक सी, दार्शनिक सी, फिलोसोफर सी, विचारक सी, मनोचिंतक सी, मनोविज्ञानक सी, इतना ते देखे, मन दी गहराई ते नहीं गया, उपरों उपरों देखे। गहराई तक ते कदी कदाई कोई कोई जांदा है। महाराज दी वाणी कहंदी है, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा। बड़े ध्यान नाल सुनना पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दियां। ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। गुरु अमरदास, नारद जैसा ऋषि, ब्रह्मे जैसा विद्वान, विष्णु जैसा सत्वी गुण सतो गुणे, इन्ने महान भी अपने मन दे हथों धोखा खा गए, मन विच प्रवेश ना कर सके, मन नू पूर्ण तौर ते नहीं समझ सके।